करते हैं, 3, 2, 1 चल भाई। ये रिप्टी भाई बोलेरो कैंपर के टायर। हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कार इन्फो मेनिया में। उम्मीद करता हूँ भाई सारे भाई मजे में होंगे। हमारे सामने खड़ी है भाई महिंद्रा थार 2022, साथ ही अपना नया वाला मॉडल जो बोलेरो कैंपर कार है वो खड़ा है। और भाई इन दोनों की आपने शायद टग ऑफ वॉर देखा होगा, आई थिंक अगर जहाँ देखा होगा वो मिशन इंडियन हैकर के चैनल पे था, वहाँ पे इन दो गाड़ियों का टग ऑफ वॉर कराया था जिनमें दोनों ने अच्छी टक्कर दी थी। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि यार जब कैंपर में पावर इतनी है तो एक बार जब टग ऑफ वॉर हो चुकी है, हमने देख चुके हैं, हम देख चुके हैं उसका रिजल्ट, तो एक बार ड्रैग रेस भी कराते हैं, उससे पता करते हैं, उससे देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहता है। क्योंकि भाई अभी हमने जस्ट इस वीडियो से पहले थार पेट्रोल वर्सेस थार डीजल की ड्रैग रेस कराई, उसमें भाई पेट्रोल ने बिल्कुल धुआं उठा दिए, कती आगे निकल गई बढ़िया और कोई हाथ नहीं दिया डीजल वाली से। तो यहाँ पे थार पेट्रोल वर्सेस हम कर रहे हैं महिंद्रा कैंपर, ये भी अपना डीजल इंजन आता है। और भाई एग्जैक्ट सीसी में मेंशन कर दूंगा, देख के मुझे एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं है कितने सीसी का इंजन है। बाकी महिंद्रा बोलेरो कैंपर गोल्ड ZX टॉप वेरिएंट है, इसमें भाई एसी वेसी, इसमें पावर विंडो और अंदर से कम्फर्ट सारी चीज़ें आती हैं इसमें। और दूसरी तरफ थार का तो हमें पता ही है, तो एक बार इसका आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ। यहाँ पे भाई ऐसा कुछ इसका इंटीरियर आता है। एसी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, काबिले तारीफ है, जितना मेरे उम्मीद नहीं थी उससे अच्छी एसी है भाई इस गाड़ी का। साथ ही आप दिख रहे हैं सीट्स वगैरह और सारी चीज़ें बहुत कंफर्टेबल है। तो ये गाड़ी चलाएंगे अपने राजपाल तंवर भाई। तो भाई कौन सी आगे जा रही है देखते हैं भाई, थारी जानी है वैसे तो, बाकी फिर भी देखते हैं। तो यहाँ पे भाई अपने अमन भाई है भाई, 18 इंच के बढ़िया टायर, बढ़िया अलॉय, 2022 महिंद्रा थार लेके चल रहे हैं भाई। अमन भाई पेट्रोल है वो भाई, यही जीतेगी। चलो भाई, लेकिन भाई वही है जो टग ऑफ वॉर वाली वीडियो देख के मुझे लगा कि यार दोनों गाड़ियों की एक ड्रैग रेस बनती है जिससे कि पिकअप और उस चीज़ का भी पता चल जाए। यहाँ पे हालांकि थोड़े डाइमेंशंस बड़े हैं गाड़ी के, थोड़ी हैवी है तो फर्क है, लेकिन अब करते हैं भाई ड्रैग रेस शुरू जिसमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट कौन सी गाड़ी आगे निकलती है भाई। तो भाई यहाँ पे अब सीधा ड्रैग रेस करते हैं शुरू। हाँ भाई, तो भाई हम चलते हैं महिंद्रा थार के अंदर। भाई थोड़ी लंबी है, थोड़ी आगे कर लेंगे, है ना, थोड़ी लंबी है भाई, थोड़ा आगे ले ले, थोड़ी सी ले ले आगे, ले भाई थोड़ा सा भाई एडवांटेज दे रहे हैं महिंद्रा कैंपर को। भाई दोनों महिंद्रा की जान है, गाड़ियों में जान तो दोनों में ही है, तो अब देखते हैं भाई कौन सी आगे निकलती है। अभी तक क्यों रेस दे रहे हो तू भाई, गाड़ी के वाइब्रेशन के मजे ले रहा है भाई रेस दे दे के। तो भाई पीछे से कुछ आ नहीं रहा और आगे वाले निकल जाए। चलो भाई, तो ले भाई रेस लो, 3, 2, 1 खींच के ले, झाड़ दे। ये उठी भाई कैंपर, राइट रखो। और भाई ये मतलब जो उम्मीद थी शायद भाई हुआ, उस गाड़ी में वैसे जान है लेकिन भाई वो टॉर्क के मामले में भाई थार आ गए है पूरी। तो जो अमन भाई कह रहे थे वही हो गया। और यहाँ पे भाई कैंपर आ रहे हैं, एक दूसरा राउंड और करते हैं, कहीं ऐसा ना हो भाई कि मतलब भाई से एक बार कैंपर पहले राउंड में ना उठी हो सही, तो एक दूसरा मौका और देते हैं उसमें देखते हैं। मतलब बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा वीडियो को खींचने का मतलब नहीं है भाई, ओवरऑल पता ही है क्योंकि वो गाड़ी है लोडिंग के लिए और मतलब रफ एंड टफ उस यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए। और यहाँ पे ये गाड़ी भाई इसका तो ओवरऑल पावर ही अच्छा है। पीछे ले लो भाई, थोड़ी बैक ले लियो, डिस्टेंस है ना, चलो देखते हैं। तो जो कैंपर चला रहे हैं अपने भाई बोलेरो कैंपर राजपाल भाई, ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ी लंबी ड्रैग रेस कराओ, मतलब हो सकता है कि डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, तो इनकी मान लेते हैं, थोड़ा सा ट्रैक को लंबा कर लेते हैं भाई, पीछे से शुरू करते हैं ड्रैग रेस जो है। अब की बार भाई थार आगे निकल गई तो स्लो कर ली थी, तो भाई एक मिनट रुक जाओ भाई, पैदल ना आ जाएगा, धूप कितनी तेज हो रही है। और भाई अपनी बैक गियर में कितनी चढ़ जाती है गाड़ी, स्पीड दिख रही है ये भाई, ये बैक गियर में जा रही है सीधी भाई देख के वैसे। ओ भाई 40, 50, 60, अरे भाई ऑलमोस्ट 60 टच कर दिया है बैक गियर में थार ने। भाई पावर इस गाड़ी की भाई अलग ही है, मतलब जनवन बहुत ज्यादा पावर है गाड़ी है। हॉर्न मारना उसको, और कहाँ जा रहा है वो विदेश में, वो भाई दूसरे देश में ले जा रहा है बोलेरो कैंपर को भाई, इसी धरती पे करनी है रेस। तो भाई यहाँ पे अब दूसरा राउंड शुरू करते हैं, पूरा आगे तक खींच के भाई देखते हैं कौन सी गाड़ी आगे निकलती है। ये आगे भाई अपनी बोलेरो कैंपर, शुरू करते हैं 3, 2, 1 चल भाई। ये रिपटी भाई बोलेरो कैंपर के टायर, और भाई टक्कर देने की कोशिश तो करी गाड़ी ने, लेकिन भाई थार तो थार ही है, हाहाकार है काड़े भाई के, भाई थार थार नहीं थार बस भाई, स्लो कर लो। भाई आई थिंक भाई 120 तक चली गई थी शायद, जी भाई 120 तक चली गई थी। तो भाई लेकिन भाई टायर स्पिन बहुत बढ़िया कर रहे कैंपर के भी, कैंपर वाली वो है ना, और जो इसमें ही 4x4 आता है एक, वो तो पावर तो काफी अच्छी, लेकिन भाई ड्रैग रेस में तो बात नहीं बन रही, और पीछे रह गए अब तो। हाँ ज्यादा डिस्टेंस है, तो भाई एक टग ऑफ वॉर बनती है नहीं बनती, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को ले भाई। तो
तो भाई एक टको फोर और कराते हैं कैंपर और थार की, आपने ऑलरेडी देखी हुई है और हम भी देख लेते हैं भाई क्या कुछ रिजल्ट रहते हैं। यहाँ पे कैंपर और थार की ड्रैग रेसिंग भाई पूरी पूरी कैंप मतलब कैंपर बहुत पीछे रह गई। हालांकि भाई टको फोर में गाड़ी में जान है, हो सकती है जो वीडियो हमने ऑलरेडी देखी हुई है, लेकिन भाई ड्रैग रेस के मामले में ये गाड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियों को पीछे छोड़ रही है। तो अमन भाई, हाँ जी भाई, प्राउड तो फील होता होगा गाड़ी पे है, मतलब माइलेज का भी इतना फर्क बताते हैं कि डीजल थार और मैं पेट्रोल में पॉइंट का ही फर्क है, डीजल की 10-11 की देती है या 9-10 की देती भाई, इतना ही फर्क है वो चलाने के ऊपर भी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाई सबसे बेस्ट चॉइस मेरे को लगी, सबसे ज्यादा टॉर्क वाली गाड़ी आपने ये अपनी ऑटोमेटिक में ले ली, पूरा कंफर्ट रहता है, एक बार गाड़ी के अंदर ही चल लेते हैं। तो यहाँ पर ड्रैग रेस तो कंप्लीट हो गई है, ओनरशिप रिव्यू डिटेल में देखना है अमन भाई के साथ 2022 थार का पेट्रोल ऑटोमेटिक का, तो चैनल पे आने वाला है तो विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन जस्ट एक बार वीडियो कंक्लूड होते हुए पूछना चाहेंगे भाई, आपने अभी तक जैसे इस पे कोई ट्रिप वगैरह अभी की नहीं है दूर, नहीं, लेकिन अपने लोकल में यहाँ इसकी परफॉर्मेंस का तो आइडिया लग गया होगा कि यार गाड़ी में दमदार है। हाँ जी भाई। और अपनी 2-3 ड्रैग रेस हो गई उनमें तो अलग ही पता चल जाता है। हाँ तो भाई मतलब एक अच्छा ऑप्शन है थार पेट्रोल अगर ऑटोमेटिक आप लेते हैं। हाँ भाई जेन्युइन आप बहुत ज्यादा आपकी रनिंग है, आप बहुत रश ड्राइविंग करते हैं तो वहां पे माइलेज और थोड़ा गिर सकता है, नहीं तो भाई 9-10 और 10-11 का माइलेज है पेट्रोल और डीजल में, उससे ज्यादा फर्क नहीं है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बाकी वीडियो जाके जरूर देखे, और थार का ओनरशिप रिव्यू देखना है अमन भाई के साथ तो चैनल पे विजिट करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू, टाटा बाय बाय।